बिग बॉस 17 से बाहर होते ही ईशा मालवीय ने बिग बॉस को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने ये भी बता दिया कि विनर कौन होगा, फर्स्ट रनर अप कौन होगा, सेकंड रनर अप कौन होगा। सारी पोल ईशा मालवीय ने फिनाले से 2-3 दिन पहले ही खोल दी है। ईशा ने कहा, मुनावर और अंकिता में टक्कर चल रही है। मैं तो चाहती हूँ कि अंकिता जी विनर बने, लेकिन काफी लोग मुनावर को विनर बनाते देखना चाहते हैं। अंकिता बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी है, उनके इमोशंस कभी फेक नहीं रहे, हर इंसान के लो टाइम में भी उनके साथ रही है। अब ईशा का इंटरव्यू सामने आते ही लोगों ने कहा, तुम तो उनकी चमची हो इसलिए उनका तो फेवर करोगी, लेकिन हम मुनावर को ही चाहते हैं। मुनावर को पहले नंबर पर लोग देखना चाहते हैं, दूसरे पर अंकिता और तीसरे पर अभिषेक। भाई आपको बता दें, विनर की लिस्ट से मन्नारा बेघर हो चुकी हैं। वैसे आप मुनावर या अंकिता में से किसे विनर बनते देखना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं, क्या आप मन्नारा को भी विनर बनता देखना चाहते थे। बिग बॉस 17 के घर में अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। इस सीजन का फाइनल एविक्शन होने जा रहा है। घर में अब तक कुल 6 सदस्य बचे थे, जिसमें अंकिता लोखंडे, मनारा, विकी, मुनावर, अभिषेक और अरुण थे। और अब जो होने वाला है वो हर किसी को झटका देने वाला है। इससे पहले शो में ईशा मालवीय का एविक्शन हो चुका है और अब बारी है बचे हुए सदस्यों में से किसी एक के जाने की। अब फिर ये 5 फाइनलिस्ट फिनाले तक पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि जो आखिरी कंटेस्टेंट इस घर से बेघर होने जा रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि विकी भैया हैं। और ये खबर उनके लिए किसी झटके से कम नहीं है। बिग बॉस के प्रोमो में कहते दिख रहे हैं कि 100 दिन साथ में बिता दिए हमने, मैंने पहले ही दिन कहा था जो मेरे शो के लिए अच्छा होगा मैं उसकी तरह वॉइस रहूंगा, और अब जो 6 लोग थे मेरे शो के लिए अच्छे थे, इसलिए आप 6 लोगों के साथ अब मेरा आखिरी दांव। अब आती है फैसले की घड़ी, 6 में से 5 होने का वक्त है। फाइनल नॉमिनेशन की फाइनल इक्वेशन शुरू होने वाला है और फिर जो नाम सामने आता है उसे देखकर घर वालों के होश उड़ जाते हैं। इविक्शन में नाम विकी जैन का लेते हैं। इसके बाद लोगों के रिएक्शन जबरदस्त आने लगते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि टॉप 5 में अरुण कैसे पहुंच गए, वो फाइनल में है, सबसे बड़ा जोक है। एक ने कहा, ये क्या हुआ, मुझे लग रहा था अरुण जाएगा। कई लोगों ने कहा, विकी टॉप 5 डिजर्व करते हैं, वो अपनी जर्नी वीडियो डिजर्व करते हैं, जिन आखिर कंटेस्टेंट की जर्नी बिग बॉस में दिखाई जाती है। कुछ ने ये भी कहा, वो विनर बनना डिजर्व करते थे। विकी जैन की भाभी और अंकिता की जेठानी रेनू जैन ने शो में शिरकत की तो ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर हर कोई शौक जा गया। सलमान खान ने अंकिता की जेठानी की लताड़ लगाई और उनसे कहा कि तुम्हारे खर्च कौन उठाता है, अगर तुम्हारे खर्च तुम्हारा पति नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा। जेठानी ने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसके बाद लोग अंकिता और जेठानी की तुलना करने लगे। किसी ने लिखा, ये तो अंकिता से भी सुंदर निकली, बहुत ही सुलझी हुई, अंकिता लोखंडे से लाख गुना अच्छी है। अंकिता की जेठानी ने में आते ही अपनी सासू माँ का सम्मान देते हुए उनका बचाव किया और अंकिता के पक्ष में काफी कुछ कहा, जबकि अंकिता ने शो में अपनी सास की बेइज्जती की। विकी की जैसी बेइज्जती की वो तो आप सभी ने देख लिया, उन्होंने हमेशा अपने पति को ही मारने पीटने की बात की, जिस कारण उनकी छवि कुछ और ही बन गई है। लेकिन जिस तरह से रेनू जैन ने उनकी छवि को सुधारने की कुछ कुछ बातें की उससे सबने रेनू की तारीफ की। लेकिन लोगों का कहना है कि रेनू जैन थोड़ा और फेमस हो जाएं तो अंकिता लोखंडे इनसे भी इनसिक्योर हो जाएंगी। किसी ने कहा, अंकिता को अपनी जेठानी से भी प्रॉब्लम होने लगेगी क्योंकि जेठानी वाकई बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई औरत है। अंकिता लोखंडे शो में 3 महीने से, लेकिन रेनू जैन शो पर महज 30 मिनट आए और उन्होंने सारी लाइमलाइट खींच ली। इतने में ही उन्होंने लोगों को जो प्यार दिया वो एक्ट्रेस ने 3 महीने में नहीं दे पाया। लोग उन्हें और उनके रिश्ते को न जाने क्या क्या बोलने लगे। सोशल मीडिया पर रेनू को क्लास और अंकिता लोखंडे को क्लासलेस कहा जा रहा है।